गूंज के चौथे सीजन के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। 110 वोल्ट्स। I don't have any more energy to deal with you. Yeah, okay, fine. Go. बहुत प्यार है ना तुम्हें दिल्ली से। जाओ मरो। वहाँ पटा लेना किसी लफंडर को। आशीष, will you please pay me? मैं वर्कशॉप जा रही हूँ। तुम पहाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इंस्टा पर नाचने का शौक है। रील्स पर कमेंट्स पढ़े हैं मैंने। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे दिल्ली में। किसके साथ प्लान है रात बिताने का? बता दो मुझे। आशीष प्लीज। हाँ क्या प्लीज? तुम कोई माधुरी दीक्षित तो हो नहीं कि सिर्फ इंस्टा पर रील्स बनाने से तुम्हें वहाँ पे पेड वर्कशॉप देने को मिल जाएगी। 20 मैम, 20 माय सीट। यस प्लीज, आई एम सॉरी। मिल गया होगा ट्रेन में भी कोई? बस हो गया तुम्हारा ओवरनाइट ट्रेन जर्नी का इंतजार? आशीष, जस्ट फकिंग गो टू हेल। वाटर? यस थैंक यू। अरे मेरे कृष्ण कन्हैया। हाँ जी हाँ जी, बैठ गई। मुंबई सेंट्रल से बैठी हूँ। नहीं, वो CST वाली ट्रेन रात की थी, फिर सुबह लेट पहुँचाएगी मथुरा। हाँ, प्यारी सी गुड़िया है, एक लड़का भी है। जी जी हाँ, तरुण जिया जी आएंगे स्टेशन। अच्छा जी, हाँ रखती हूँ, हाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है, ओके। मैं लड़का? हाँ जी बेटा। नहीं, मैं खाली लड़का। ये प्यारी सी गुड़िया और मैं खाली लड़का? अरे नहीं, तू तो मेरे बच्चे जैसा है। रहने दो आंटी। तुम बच्चे साथ में चढ़े हो? नहीं आंटी, अलग अलग। सुनो बेटा, मेरे ना आर्थराइटिस। ना 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 ना। बच्चे देख लो, थोड़ा एडजस्ट कर सको तो। ये IRCT वाले मुझे सी औरत को भी ऊपर की बर्थ दे देते हैं। आपकी नीचे की है, हाँ एक्सचेंज कर सको तो। पहले बोलूं मैं भी प्यारा सा लड़का? अरे तू तो मेरे बच्चे जैसा है, बहुत प्यारा लड़का है। ये हुई ना बात। अभी वहाँ पैसेज वाले पे बैठो, मेरे को रील बनानी है, खिड़की से 2 मिनट लगेंगे। हाँ बना बना। कहाँ डालेगा? यूट्यूब पे? नहीं आंटी, इंस्टाग्राम पर। अरे आपको पता है ना, इंस्टाग्राम पे आजकल वो म्यूजिक डाल के नाचते हैं वो। अरे हाँ। टिकट टिकट। हेलो सर, नाम बताइए। हेलो टिकट। भाई साहब नाम बताइए। हसन खत्री। आईडी दिखाइए आप। मैडम आईडी दिखाइए आप। एक मिनट सर, कहाँ गया? सर सुभाषमिता बोस। आप दोनों साथ में? हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, आप टिकट दिखाइए। थैंक्स, मुझे आईडी मिल भी नहीं रहा था। यू नो मी? या सॉर्ट ऑफ। आपकी रील्स देखी हैं @ डांस विद सुभा ना? आप बहुत सही डांस करते हो। थैंक यू, आई विश सब ऐसे ही अप्रिशिएटिव होता। आर यू रेफरिंग टू योर फोन कॉल? आई एम सॉरी, जब ट्रेन चली थी तब आई ओवरहर्ड यू, सॉरी। या सो व्हाट्स अप इफ आई मे आस्क? I'm sorry, I don't really feel like sharing anything at the moment. Sure, I understand. You don't have to be sorry. Have your space. Chai chai, garam kofi, chai chai. हाँ भैया, कितने की है? क्या? ये ट्रेन। अरे जो बेच रहा है उसी का पूछूंगी ना। आंटी दो आइटम है ना, चाय और कॉफी। चाय कितने की है? 10। और कॉफी? वो भी 10। भैया आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। नाम क्या है आपका? चौधरी। चौधरी भैया, 2 चाय दो, एक आंटी को और एक मुझे। लीजिए चाय। चाय गरम कॉफी? किसी को चाय चाहिए कॉफी? इट वाज माय बॉयफ्रेंड। सॉरी? इट वाज माय बॉयफ्रेंड ऑन कॉल जब ट्रेन चली थी ना। एंड See, the plus point is, I'm a stranger to you. We won't even meet again probably. So if you want to vent out, मेरे पास भी और कुछ करने को नहीं है।
It's just leave, you won't get it. Maybe, maybe not. But मुझे समझ में आया या नहीं आया इससे क्या फर्क पड़ता है? Point is कि तुम्हें light feel होता है कि नहीं? और अगर बात करके better feel करने का chance है, तो miss क्यों करना है? और जो तुम ID ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे bag में नहीं, तुम्हारे wallet में है। Huh? What God, मैं यही तो रखती हूँ। Why was I looking for it in my bag? मुझे तक दिख गया जब तुम चौधरी भैया को पैसे दे रही थी। मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। I live in old Delhi. This week my dog died at home. मैं उसी के लिए घर जा रहा हूँ। Oh, I'm so sorry. I never had a pet, but I'm sure he must be special. Not at all. उस साले ने मेरे assignments और notebooks खाई हैं। मेरा laptop तोड़ दिया। मुझे कभी पसंद नहीं था। बस फैमिली पागल थी उसके पीछे। बट ही इज गॉन नाउ। फैमिली ने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। बट यही तो बात है, यू नेवर हैड टॉमी, सो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इट फील्स लाइक बीइंग विद टॉमी। बट ये बात कि मुझे मेरा पेट कभी पसंद नहीं था, ये बस मैं वेंट आउट करना चाहता था। एंड आई कुडंट बिकॉज पीपल लव डॉग्स। Even I like them, but I'm a bit scared, you know? अरे हाथ मिलाओ यार तुम, चलो shoot. I broke up with my boyfriend. अभी उस कॉल पे? अरे यार सुनो तो सही. Oh, sorry. Carry on. I broke up with him like 6 months ago. हमेशा insecure, doubtful. 2 years into it, and my relationship was nothing but a war house. हम बस एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, पर जो गालियाँ मैंने सुनी है ना, आई कुड नॉट डील विद इट, तो आई ब्रोक अप। एंड एग्जैक्टली तब मैं रील्स बनाने शुरू किए। आई वॉज गुड एट इट, पीपल अप्रिशिएटेड मी, बट ही नेवर डिड। मैं हमेशा भी लिटिल फील करती थी, इस वजह से उसके अचीवमेंट्स भी मैं अप्रिशिएट नहीं करती थी। सो यू बेसिकली रेसिप्रोकेटेड। एग्जैक्टली, मैं क्यों तुम्हारे सैलरी इंक्रीमेंट पार्टी में आऊँ जब तुम मेरे 100K फॉलोअर्स पर एक कॉन्ग्रेस तक नहीं भेज सकते? एंड सडनली समडी विल कम एंड अपोलोजाइज, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगा, एंड आई फेल दैट इम्पोर्टेंस, एंड आई लव हिम, बट सिंस गेटिंग बैक विद हिम कुछ वीक्स में इट ऑल स्टार्टेड अगेन। इट्स अफेक्टिंग माई परफॉर्मेंसेज, माई रील्स, माई लाइफ, माई माइंड, एवरीथिंग। सो Why are you with this guy at all? Like you left him pehle. So? Sorry, you are? Hassan. Hassan, I don't know about anybody, but it's not easy for me to detach from someone I really love and care about. And this is Ashish. I love him. We have spent the best time of our lives together. Like, we know each other for 4.5 years, I just don't know. I want it all to get back to like normal, like old days. Can I tell you a story? About what? Train. This train? Are trains in general, Indian trains. Hmm. So train ke is path pe tumhe ye jo lights hain, upar wo fan hai, ye sockets hain, ye sab electrical power pe chalte hain, right? Hamare ghar par ek certain amount of voltage aata hai. 220 volts, na? Exactly, nice. But trains में power 110 volts होता है। Why? Because पहले जब voltage 220 volts ही था, being awesome Indians, लोगों ने train में bulbs, fans, ये सारे appliances चुराने शुरू कर दिए। What? Seriously? For real, yes. And तब railways ने सारे appliances और trains का power 110 volts कर दिए। उसके बाद 110 volts के appliances 220 volts पे run नहीं करते। And theft rate also went down. Wow, that's smart. Not really. Usse theft ruk gaya, but railways face other issues and all. But it's not about that. The point being, whatever the reason be for a change in something or someone, ek baar jab cheez andar se badal jaati hai, to surface pe waisi hi dikhti hai. But a nail, it's different. I know it's not my place to say. बट हैव यू कंसिडर्ड कि तुम अपने बॉयफ्रेंड में जिस इंसान को ढूंढ रही हो शायद बहुत पहले गायब हो चुका है, अब वो 110 वोल्ट्स का अप्लायंस बन गया है। 110 वोल्ट्स? 110 वोल्ट्स।
So I should leave him. Because he's no more the guy I love. वो तो तुम्हें ही जज करना पड़ेगा वेदर वो 220 वोल्ट्स वापस बन सकता है या तुम्हें ही अप्लायंसेस पर गिव अप करना पड़ेगा. तुम हमेशा खुश रहते हो. नहीं, पर मैं हमेशा दुखी भी नहीं रहता. Apology texts. Sorry for behaving that way. Have a nice trip. पहुंचकर कॉल करना है. You know I love you. volts. volts. इस नाटक के लेखक हैं प्रशांत भाटिया और निर्देशक हैं मानसी मिरानी. वॉइस एक्टर्स श्रीजनी बैनर्जी, विनीत नायर, चिराग मलिक, दियांशी वर्मा, उत्कर्ष भाटिया, प्रशांत भाटिया और आत्रेया कौस्की. साउंड डिजाइनर संकल्प सचन. ग्राफिक डिजाइनर सिद्धार्थ केहर. साउंड रिकॉर्डिस्ट यश कोवियस. मार्केटिंग जानवी अग्रवाल एंड टीम. BTS स्वाधीन शर्मा एंड टीम. प्रोड्यूसर्स धृति अग्रवाल, आत्रेया कौस्की, भव्य राजकरे और राशि मडवी. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राहुल पुरी, लैली दत्ता, यश गोवियस और भास्कर रॉय का. सुनते रहिए गूंज.